देते हैं, अपने दो विषय जो आते थे उसका की बात नहीं। पत्रकारिता पर तो आपने बताया कि पत्रकार कभी बुजुर्ग नहीं होते, बूढ़ा नहीं होता, वो सदैव युवा है। और पत्रकारिता का भी यही स्थिति है कि पत्रकारिता कभी पुरानी नहीं हो सकती है, बदलाव आते जाते रह सकते हैं। अभी श्री शरण जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता गई। अच्छा, दूसरा पक्ष आपने कहा देश के विकास हो, तो उसमें व्यवहारिक पक्ष जो है उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात पर अंबेडकर जी ने उठी जोड़ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दया दीक्षित का मंत्र करता हूँ पूरे और ये बात थी। इसके बाद मैं मंच पा रहा हूँ। जा सकते हैं ऐसे घर के उस वर्ग को भी
वहाँ के इंटरप्रेन्योर जा जाकर कच्चा माल देते हैं, प्रातः कच्चा माल देते हैं और सायंकाल उस उत्पादन को लाते हैं, उस पर अपना ब्रांड लगाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में हजारों गुना लाभ उससे कमाते हैं। तो जहाँ हर हाथ में काम होगा उस देश की इकोनॉमी के क्या कहना है। और हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही दुखद बात है कि पिछले कुछ दिनों से निरंतर यही खबरें आ रही हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे दृश्य मीडिया हो, चाहे श्रव्य मीडिया हो, सब जगह आज इतने हजार हाथ बेकार हो गए, आज इतने हजार हाथ बेरोजगार हो गए। तो हमारे प्रबुद्ध वर्ग को, जो उत्तरदायी वर्ग है, उस वर्ग को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि वे कौन सी नीतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा देश आर्थिक मंदी की चपेट में है। दूसरे एक बात और है, अच्छी बात कहीं से भी मिले, किसी भी जगह से मिले, हम स्वीकार करनी चाहिए, हमें देशों से भी स्वीकार करनी चाहिए अच्छी बात। जैसे चीन में एक परंपरा और है, एक तो वहाँ की कार्य पद्धति और दूसरे वहाँ की प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता से तात्पर्य यह है कि जब चीन में जयंतियाँ होती हैं महापुरुषों की, तो वहाँ रिवाज दो दो तीन तीन घंटे अतिरिक्त कार्य करने का। तो ये जो उनकी कार्य पद्धति है, ये हमें सोचने पर विवश करती है कि आखिर में कौन से कारण है, हमारे वो कौन सी मानसिकता है कि हम प्रत्येक जयंती पर पूर्णकाल दिवसीय अवकाश चाहते हैं। हमारे यहाँ जयंतियों का मतलब है, महापुरुषों की जयंतियों का मतलब है छुट्टी। तो ये दो चीजें हमारे प्रबुद्ध वर्ग को न केवल सोचनी होगी, विश्लेषित करनी होगी, बल्कि तदनुसार हमें चलना ही होगा। अब जापान की तरफ देखें, 46 में 9 और 6 अगस्त 46 में वहाँ नागा साथी बम विस्फोट होता है अमेरिका के द्वारा और हम 47 में आजाद होते हैं। आज हम कहाँ हैं और जापान कहाँ है? पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट वो जापान जो फिर से अपने को समृद्ध करता है, मजबूत करता है, क्या है वहाँ? वहाँ है प्रबल राष्ट्रीय भाव। वो प्रबल राष्ट्रीय भाव जो आज से कुछ समय पहले हमारे देश में अपराध की तरह इस्तेमाल होता था, एक गाली थी राष्ट्रवाद, आज से कुछ समय पहले हमारे देश में। तो उस राष्ट्रीयता की जो भावना है, उस भावना को हमें निश्चित रूप से वहां से उठाना होगा, लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता नहीं है, नवजागरण काल इसकी सर्वश्रेष्ठ मिसाल है, लेकिन नवजागरण काल क्या गलत हुआ, वो भावना ही विलुप्त हो गई। हमारे यहाँ अब भी नेशनलिटी है, लेकिन एडहॉक नेशन है हमारे यहाँ। जब कोई बाहरी आपदा, कोई बाहरी तत्व हमारे यहाँ आक्रमण करता है, कुछ बदहाली पैदा करता है, तो अचानक हमें राष्ट्रीय भाव जागे रखते हैं, एक स्मशान वैरागी की तरह। जब व्यक्ति वहाँ जाता है, अंतिम संस्कार देखता है, तो विरक्त हो जाता है, अरे कुछ नहीं है संसार में। और जहाँ वो उस भूमि से बाहर आता है, फिर अपने कार्यकलापों में संलिप्त हो जाता है। तो एक जो प्रबल राष्ट्रीय भावबोध की आवश्यकता है, अगर वो राष्ट्रीय भावबोध होगा, तो हम छोटी छोटी बातों में झगड़ेंगे नहीं। हम साम्प्रदायिकता को लेकर, अलगाव को लेकर, वर्ग भेद को लेकर हम झगड़ेंगे नहीं, उस राष्ट्रवाद की हमें आवश्यकता है। हमारी जो उत्तरदायी शक्तियाँ हैं, निश्चित रूप से हमें सोचना होगा, क्योंकि वो भी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ में आ रही है। और अंतिम उदाहरण देती हूँ रूस का, चारशाही का अंत हुआ, चारशाही के अंत में बार पूंजीवाद में पूर्ण था। वहाँ हर क्षेत्र में शासन का होगा, भूमि शासन मुहैया कराएगा, भवन शासन मुहैया कराता है, शिक्षा शासन देता है, चिकित्सा शासन दे रहा है। और हमारे यहाँ क्या है, हम में से कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोगों में से कितनों के बच्चे? तो एक जो शासन के प्रति विश्वास की भावना है, सरकारी उपक्रमों के प्रति विश्वास की भावना है, वो जागृत हो आम जन में, ये काम की हमारे उत्तरदायी प्रबुद्ध वर्ग को करना है। और अंतिम बात यही कहूंगी एक बार पुनः कि यदि जैसा कि हमारे आदरणीय अग्रज ने कहा कि व्यक्ति अपना काम ही ईमानदारी से करे, व्यक्तिगत काम ही ईमानदारी से कर ले, तो व्यक्तिगत अंततः समष्टिगत में परिणित होता है। तो कोई भी तंत्र हो, कोई भी प्रणाली हो, देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। आज हम चरक संहिता को, शिष्यत को क्यों जानते हैं, उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, ना कि इसके इसलिए कि उन्हें राज्याश्रय प्राप्त था या नहीं था। सूर है, तुलसी है, सबीर है, क्यों हम उन्हें जानते हैं, उनकी व्यक्तिगत कार्यक्षमता,
दक्षता होता है। तो अंततः बात वहीं आ जाती है, यदि केवल अपना ही काम हम ईमानदारी से कर ले तो अपना भी विकास करेंगे और राष्ट्र का भी विकास करेंगे। इन्हीं